हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नागरिकता कानून पर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़ी हो गई है। नागरिकता कानून पर लखनऊ में जब अमित शाह ने अखिलेश यादव को चुनौती दी तो जवाब में अखिलेश यादव ने इस चुनौती को अमित शाह का प्रवचन बता दिया। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। नागरिकता कानून के समर्थन में जब अमित शाह ने लखनऊ में रैली को संबोधित किया तो इस तरह डटकर सीए पर हुंकार भरी, लेकिन नागरिकता कानून के समर्थन में उनके तेवर तल्ख नहीं थे। उन्होंने विरोधियों को भी बड़ी चुनौती दे डाली। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूँ, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा। सीए पर अमित शाह ने ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को चुनौती दी तो जवाब अखिलेश यादव का आया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश में एक बाबा कम थे, क्या जो दूसरे बाबा अपना प्रवचन देने आ गए? इन ढोंगी बाबाओं ने जिस तरह जनता के विश्वास के साथ छल किया है, उसकी वजह से सीए पर समर्थन के लिए इनकी झोली में जनता कुछ भी नहीं डालेगी। जनता झूठे बाबा से यही कहेगी, बाबा इस बार जाना तो लौट कर कभी ना आना। अखिलेश यादव ने चुनौती की जगह अमित शाह पर तंज कसा, लेकिन कांग्रेस ने बहस की चुनौती स्वीकार कर ली। मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आइए आप मेरे साथ डिबेट कीजिए, किसी वक्त भी कहीं भी आप तय कीजिए और मैं तैयार हूं। और अब देखिए कैसे नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की दो बेटियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ये शेर हुकूमत के लिए एक वार्निंग है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। देश के शायरों में अपनी पहचान रखने वाले ये है मशहूर शायर मुनव्वर राणा और ये है इनकी बेटी सुमैया राणा। लखनऊ पुलिस ने इनके साथ इनकी छोटी बहन फौजिया राणा के खिलाफ केस दर्ज किया है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो इतना उनको खतरा है घरेलू महिलाओं से और बच्चियों से कि उन्होंने हम लोगों पर मुकदमे कर दिए हैं। कोई बात नहीं, हम आंदोलन कर रहे थे, हमें मालूम है कि हम लोगों को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, उसके कोई मसला नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, जिस सरकार का नारा रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो गवर्नमेंट इस तरीके से हम लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे डालती है तो अफसोस होता है। केस दर्ज होने के पीछे है ये तस्वीर। लखनऊ के घंटाघर में महिलाएं सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन को देखते हुए यहां धारा 144 लगी थी। बावजूद इसके मुनव्वर राणा की दो बेटियां इस धरना प्रदर्शन में पहुंची, जिसके बाद उनके खिलाफ केस किया गया। शाह आ रहे हैं हिंदुस्तान के शहंशाह, उनके लिए दफा 144 नहीं है, उनके लिए पूरे 16 जिलों से आदमी पकड़ पकड़ करके लाए जा रहे हैं। ये दोहरा कानून हो गया ना, इतना खराब कानून तो हिटलर ने भी नहीं रखा होगा कि आप एक तरफ 1,00,000 लोगों को दावत देकर बुला रहे हैं, एक तरफ अगर कुछ लड़कियां औरतें अगर वहां बैठी हैं एहतजाज कर रही हैं या गम मना रही हैं या सोग मना रही हैं या दुख मना रही हैं या आने वाले दिनों के बारे में सोचकर वो परेशान हो रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो आप उन्हें वो भी नहीं करने देते। बेटी पर केस दर्ज हुआ तो मुनव्वर राणा ने सीएए के समर्थन में हुई अमित शाह की रैली पर सवाल उठाए। ये उस रैली की तस्वीर है जब अमित शाह सीएए के पक्ष में लोगों को संबोधित कर रहे थे। और मित्रों, ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहाँ से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। लखनऊ के घंटाघर में चल रहे विरोध प्रदर्शन में मुनव्वर राणा की बेटियों के शामिल होने पर तीन तलाक की जंग लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता फरहत नकवी ने सवाल खड़े किए हैं। मुनव्वर राणा बहुत आगे बढ़ चढ़ के ये बात कर रहे हैं कि बेटियों के बारे में, बेटियों के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस टाइम
मुस्लिम समुदाय से महिलाएं 3 तलाक का दंश झेल रही थी, वो भी तो अपने कौम की बेटियां थी। जिस टाइम वो ये दंश झेल रही थी, सड़कों पे उतर के आ गई थी, उन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे उतर के आ गई थी, उस टाइम मुनव्वर राणा जी ने इस तरह की कोई कमेंट नहीं की है, कोई बात नहीं की। आज अपनी बेटियों पे FIR दर्ज हो गई तो आपको बेटियों की चिंता सताने लगी। सवाल उठे तो मुनव्वर राणा ने भी अपने अंदाज में सरकार पर निशाना साध दिया। बेकल उसाई ने एक शेर कहा था कि हमारा गांव, हमारा घर हमारे गांव के मुखिया ने लूटा है, कहां जाए ठिकाना मेरा चंबल लिख दिया जाए। ये खबर अलीगढ़ से है, जहां नागरिकता कानून के विरोध और समर्थन में तिरंगा लहराया गया। एक तरफ मानव श्रृंखला बनाकर CAA का समर्थन किया गया तो दूसरी तरफ धरने के जरिए विरोध भी किया गया है। अलीगढ़ में नागरिकता कानून के विरोध और समर्थन की ये 2 तस्वीरें हैं। सड़क के दोनों तरफ लंबी मानव श्रृंखला और बीच में एक शख्स तिरंगा लहराकर नागरिकता कानून को अपना समर्थन दे रहा है। अलीगढ़ में BJP की अगुवाई में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाली गई, जहां मानव श्रृंखला बनाकर नागरिकता कानून को समर्थन दिया गया। लोग तिरंगे के साथ सड़क पर CAA के समर्थन में निकले, पैदल मार्च किया और नागरिकता कानून के समर्थन में नारे लगाए। हम ये अलीगढ़ जिले में मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं और ये संदेश जा रहा है युवाओं के माध्यम से कि हर युवा भारत के हित में ये चाहता है कि CAA देश हित का कार्य कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री के आदेश अनुसार जो CAA का समर्थन किया जा रहा है, ये बहुत सही है। विरोधियों के लिए ये मौत और जवाब है कि इस देश के युवा चाहते हैं CAA रहना चाहिए, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उन विरोधियों के लिए मौत और जवाब है। अलीगढ़ में नागरिकता कानून के विरोध में भी तिरंगा उठा, जहां महिलाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर CAA का विरोध जताया। महिलाओं ने विरोध में धरना दिया। इस धरने में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे।